नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, एक राग से अनेक राग। देखिए, हमारा जो संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसका आधार है राग संगीत। और जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 30 में आप सभी को बताया था कि कुछ रागे ऐसे हैं जो कि शुद्ध राग है, जिसमें किसी का भी मिश्रण नहीं है, उस राग पर अनेक राग बनते हैं। तो आज मैं एक शुद्ध राग आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके आधार पे और राग बने जाते हैं। मतलब एक राग के आधार पर अन्य रागों का निर्माण हम देखेंगे। तो ये मेन लेक्चर आज का है हमारा, कि शुद्ध राग के आधार पर कुछ परिवर्तन अगर मैं कर दूं उस शुद्ध राग में, तो अन्य रागों का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब है, रागांग राग के आधार पर अन्य रागों का निर्माण कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो मैंने आज के एग्जाम्पल में इधर फोकस करते हैं राग भैरव। मैं राग भैरव आप सभी के समक्ष में रखूंगा और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि भैरव में चार प्रकार के मैं परिवर्तन करूंगा। देखिए, मैं मेरा जो सिस्टम है चार्ट का सिस्टम, देखो राग भैरव इधर फोकस करेंगे, राग भैरव में परिवर्तन का आधार ये मैं लेके आया। तो राग भैरव मेरा शुद्ध राग है, जिसका मैं बेसिक आपको बताऊंगा, बेसिक नॉलेज दूंगा। उसके आधार पर अगर मैं ये चार परिवर्तन कर दूं, क्या परिवर्तन कर दूं? सबसे पहला परिवर्तन इधर फोकस करें हम, वर्जित स्वर, अर्थात एक स्वर या फिर दो स्वर वर्जित कर दूं। देखिए, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 6 में कि एक राग में कम से कम 5 स्वर लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर लगते हैं। इसका मतलब एक राग में या तो 5 स्वर हो सकते हैं, या 6 स्वर हो सकते हैं, या फिर 7 स्वर हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, राग भैरव में परिवर्तन का आधार, अगर मैं एक स्वर को वर्जित ही कर दूं, तो इसमें भी या तो एक स्वर वर्जित कर दूं या फिर दो स्वर वर्जित कर दूं, तो राग बदल जाता है, रहेगा भैरव का ही आधार, जो रहेगा वो मेरा भैरव ही रहेगा, परंतु राग जो है वो राग भूत राग बन जाएगा। मतलब भैरव अंग का राग बन जाएगा, मतलब आत्मा तो भैरव की रहेगी उसमें, परंतु संपूर्ण भैरव नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो ये मेरा एक पहला आधार। फिर उसके बाद वादी संवादी, मैंने आपको बताया था वादी स्वर क्या है, राग का राजा स्वर, संवादी स्वर क्या है, राग का मंत्री स्वर। तो वादी संवादी में परिवर्तन कर दूं तो मेरा राग बदल जाएगा, या फिर एक विशेष स्वर संगति में डाल दूं तो भी मेरा राग चेंज हो जाएगा, या फिर मैं भैरव में किसी अन्य राग का भी मिश्रण कर दूं तो भी मेरा राग चेंज हो जाएगा, लेकिन अंग मेरा भैरव का रहेगा। चलिए, आप एक एक करके समझते हैं। आप तो इसको ये मान लीजिए कि राग भैरव है, राग भैरव की चार प्रकार से प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे तो बट ऑब्वियस कुछ तो चेंज आएगा ना, लेकिन मूलभूत आत्मा तो वही रहेगी ना उसकी, ये चीज मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो ये चार प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी है, ये मान लीजिए मेन राग मेरी भैरवी है। तो देखेंगे राग भैरव 7 स्वर लगते हैं, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था पेरेंट स्केल, उसमें रे कोमल और ध कोमल। तो सा रे का मा पा ध नी सा, सा नि ध पा मा ग सा, ये मेरे भैरव के स्वर है। मैं कोई राग की टेक्निकलिटी नहीं बता रहा कि अभी रे पे आंदोलन होगा, ध पे, वो सब राग भैरव जब आपको लेक्चर बनाऊंगा तब मिल जाएगा। अभी मैंने 7 स्वर बताया आपको राग भैरव में, उसके बाद मैंने बताया इसका राजा स्वर, वो क्या है, कोमल धैवत, और इसका मंत्री क्या है, मतलब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर कोमल रे। इसका मतलब ये पूरा राग कोमल ध और कोमल रे पे टिका हुआ है। और इसकी जो जाति है, मतलब राग में स्वर कितने लग रहे हैं, तो आप देख लीजिए 7 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्वर हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जाति, अब इसमें मैं परिवर्तन करूंगा चार प्रकार से, ठीक है। सबसे पहला परिवर्तन देखेंगे वर्जित स्वर। अब राग भैरव में अगर मैं नी को परिवर्तन करूं, नी को मैं छोड़ ही दूं, मतलब नी को इग्नोर ही कर दूं, नी को वर्जित कर दूं, तो राग भैरव से हो जाता है बंगाल भैरव। देखिए सा रे गा मा पा ध सा, नी को स्किप कर दिया ना, नी को इग्नोर कर दिया, फॉरबिडन, तो वर्जित हो गया। तो एक स्वर वर्जित, मैं बता रहा हूं आपको, भैरव में नी को वर्जित किया, एक स्वर वर्जित किया, तो भैरव से बंगाल भैरव, रा तो भैरव,
सा, ये भैरव प ध सा, ये बंगाल भैरव हो गया। सा ध प म ग सा, क्लियर है। अब देखो, अगर भैरव में भैरव की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, दो स्वर वर्जित करते हैं, अब दो स्वर अलग अलग वर्जित करते हैं, तो देखिए तीन राग और निकलते हैं। देखिए ग और ध को अगर मैं वर्जित करूं, देखिए इधर फोकस करेंगे, राग बनता है बैरागी भैरव, जो पंडित रविशंकर जी का बनाया हुआ राग है। देखो हमारे भारत रत्न, देखेंगे सा, अब मैं गाते टाइम ग और ध को पूरा इग्नोर करूंगा, तो पांच स्वर का राग हो गया पेंटाटोनिक स्केल। तो देखो मैंने ग छोड़ दिया, सारे मापा, ये मैंने वर्जित स्वर लिखे हैं, तो ग को छोड़ूंगा और कोमल ध को छोड़ूंगा, सारे मापा। अब ध को छोड़ के मैं कोमल नी लगा दूंगा, ये हो गई राग बैरागी भैरव। वापस सुनेंगे, सारे मापा ने सा, तो दो स्वर वर्जित किया और नी को कोमल कर दिया, तो बैरागी भैरव हो गई। अब इधर देखेंगे, अगर भैरव में मैं मा और नी को पूरा इग्नोर कर दूं, तो राग बनता है विभास, ये भी भैरव अंग का राग है। हालांकि एक विभास पूर्वी से भी गाया जाता है, मारवा से भी गाया जाता है, वो बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहा हूँ भैरव अंग की। विभास में आत्मा मेरी वही है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करा दी मैंने, तो माँ और नी को वर्जित कर दिया, तो राग बन गई विभास। तो देखो हो गई राग विभास। अब देखो भैरव में ग और नी को वर्जित कर दूं मैं, ये देखेंगे ग और नी को मैं अगर छोड़ दूं, तो राग बनती है गुणकली। देखो सा रे मा पा ध सा ध प म रे सा, क्लियर है आपको। तो इस प्रकार से देखिए एक राग से अनेक राग बनते जा रहे हैं, तो ये गुणकली, तो ये पांच स्वर के राग, ये छह स्वर के राग, ठीक है। इसको कहता हूँ हेक्साटोनिक स्केल, इसको कहता हूँ पेंटाटोनिक स्केल। अब देखिए वादी संवादी, राग रूपी राज्य का राजा कौन होता है, वादी स्वर। अगर राजा और मंत्री कोई बदल दूं, तो ऑब्वियसली राज्य भी चेंज हो जाएगा, राग रूपी राज्य चेंज हो जाएगा मेरा। पूरा राज्य डिपेंड किस पे करता है, राजा और मंत्री भी तो करता है, तो देखेंगे। अब देखो मैं वादी स्वर सा कर दूं और संवादी प कर दूं, तो एक राग बनता है गौरी, राग गौरी भैरव अंग का। देखेंगे एक गौरी होता है जो कि पूर्वी थाट से भी गाया जाता है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो देखें अब इम्पोर्टेंस मेरे को रे और ध को ना देके, क्योंकि वो तो अब सेवक हो गए, मैं इम्पोर्टेंस किसको दूंगा, सा और प को। तो देखो राग का स्वरूप भी चेंज हो जाएगा, सा नी ध नी सा रे ध रे सा नी रे ग म प सा प म प म ग म प प म ग म ग रे सा नी ध नी सा रे ग म प प पे ही रुक रहा हूँ, प की पुनरावृत्ति हो रही है। रे और ध दुर्बल हो गए, राजा मंत्री चेंज हो गए, राग ही चेंज हो गया, क्या राग गौरी। इसलिए मैंने वादी संवादी पढ़ाते टाइम आपको बताया था, वादी संवादी बदलने से राग ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये राग गौरी हो गया, सा रे ग म प प म ग रे ग रे सा नी मे सा रे ग म प, क्लियर। अब तीसरी देखिए, विशेष स्वर संगति, मतलब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स लगा दूं जो भैरव में नहीं लगते, लेकिन स्वरूप चेंज कर देंगे। तो देखो आप, अब भैरव में मैं ये स्वर संगति लगा दूं, तीव्र मा लगा दूं, और धैवत और निषाद दोनों को, निषाद को भी मैं कोमल कर दूं, तो एक राग बनेगा जिसका नाम है राग रामकली। तो देखेंगे, अब देखो मूल स्वरूप तो मेरा भैरव का राग, सा रे ग म रे सा म प ध नी ध प म ग म रे सा, तो म प ध नी ध प का तड़का लगा दिया भैरव में, तो राग चेंज हो जाएगा, राग रामकली। ये भी भैरव थाट का ही राग है, आत्मा भैरव की है, लेकिन स्वरूप मैंने दूसरा लगा दिया, तो राग बदल गई।
अब अन्य राग देखें, अगर भैरव में किसी अन्य राग का मैं मिश्रण कर दूं तो भी राग चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे भैरव में राग नट का अंग जोड़ दो, नट है बिलावल थाट का राग। सारे रे का गामा रे सारे सारे रे का गामा पर गामा धा भैरव आ गई, गामा धा पर गामा रे सारे। तो भैरव में नट का मिश्रण कर दो नट भैरव। अब भैरव में भैरवी मिक्स कर दूं मैं तो बसंत मुखारी राग हो जाती है। तो स्वर क्या हो जाएंगे इसके, रे ध और नी कोमल हो जाएंगे। बसंत मुखारी साउथ का राग है तो ये बसंत मुखारी मिश्र राग हो जाएगा। ऐसे ही भैरव में काफी का मिश्रण कर दूं तो अहीर भैरव हो जाएगी। अब काफी में क्या है, नी कोमल है, परंतु पूर्वांग में मेरा क्या चल रहा है, भैरव तो ग कोमल ग शुद्ध होगा मेरा, तो क्या स्वरूप बनेगा, सजन आय। तो ये, या फिर आप देखो भैरव में आप बाहर का मिश्रण कर दो, तो भैरव में बाहर का मिश्रण कर दूं तो भैरव बाहर हो जाएगी, जिसको मैंने आपको बताया था जोड़ रहा। तो भैरव में किस प्रकार चेंज किया, या तो अन्य राग का मिश्रण कर दिया, या फिर मैंने एक विशेष स्वर संगति डाल दी तो भैरव चेंज, भैरव से अन्य राग बन गए जो कि आत्मा भैरव की रही, या फिर वादी संवादि में छेड़छाड़ कर दिया, या फिर स्वरी वर्जित कर दिया। तो इस प्रकार एक राग से देखो कितने सारे राग बन गए, और यही प्रिंसिपल सारे शुद्ध रागों के लिए लागू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल असावरी, असावरी के आरोह में मैं नी लगा दूं, एक स्वर जोड़ दूं तो जौनपुरी हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको। इसी प्रकार आप यमन को ले सकते हो, यमन से भोपाली बन जाती है। तो ये प्रिंसिपल सभी रागों पे अप्लाई होंगे जो कि शुद्ध राग है। ये लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 30 जरूर देखिएगा। तो ये प्रिंसिपल यूनिफॉर्मली हर रागांग राग पे यानी शुद्ध राग पे अप्लाई हो सकता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।